वेल गाइस, एक्चुअली मैं स्लो मोशन रिकॉर्ड करना भूल गया था, तो हम फिर से फोन को एक बारी डिप कर देते हैं। इन 3 2 नाइस शॉट। ये फर्स्ट आर सीरीज का फोन था वन प्लस का, 9RT इसमें जुड़ा हुआ था। बाद में 10 क्या हुआ, खत्म हो गया, और फाइनली जस्ट आर सीरीज आती है और अभी मेन सीरीज आती है। बहुत ही प्रीमियम फ़ोन था गाइस वनप्लस 9RT, क्वालिटी वाइज भी एंड बहुत ओवरऑल वेल फॉर मनी फ़ोन था। आफ्टर दैट वन ऑफ द क्रैपियस्ट वनप्लस फ़ोन आया था और ये था गाइस वनप्लस 10R। सीरियसली लग ही नहीं था कि वनप्लस फ़ोन है, लग रहा था किसी चाइनीज़ फ़ोन को जस्ट स्पेशली इंडिया में सेल कर दिया गया। सुपर प्लास्टिक क्रैपी फ़ोन। आफ्टर दैट वनप्लस 11R, ये भी 40,000 के हिसाब से ना प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी नहीं थी, प्लास्टिक फ्रेम और सारी चीज़ें थी, somehow just okay था, but looks like OnePlus ने problems fix कर दी हैं। अब आ गया है OnePlus 12R, ठंडा ठंडा फील हो रहा है, यानी कि इसमें काफ़ी कुछ चेंज किया गया है, प्रीमियम सॉलिड फीलिंग दे रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए फ़ोन अच्छा होना चाहिए। सॉरी गाइस, फ़ोन गलती से गिर गया, मैं टाइमर चलाना भूल गया था, तो मैं टाइमर अपने फ़ोन में सामने चला देता हूँ। बेसिकली ये प्रो फ़ोन है तो हम थोड़ी सी इसमें प्रो टेस्टिंग कर रहे हैं, तो आज ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हमने गलती से फ़ोन छोड़ दिया और टाइमर चलाना भूल गए। एनीवेज, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली इस बार 70 लीटर्स वाटर हमने ले रखा है, बिकॉज ये महंगा फ़ोन है तो थोड़ा सा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें प्रो लेवल का वाटर प्रोटेक्शन दिया गया, तो आप इसको एक्सट्रीम स्प्लैश टेस्ट कह सकते हैं। बिकॉज अगर IP68-67 होता है तो एज़ यू नो हम सीधे समुंदर में जाते हैं या रिवर में जाके वहाँ पे टेस्ट करते हैं। तो फिलहाल हम 5 मिनट के लिए वेट करते हैं, अकॉर्डिंग टू माई क्लॉक 5:30 हो जाएगा। लेट्स फाइंड आउट क्या इस फोन में लिक्विड जाता है कि नहीं जाता है। फाइव मिनट गाइस हो गए हैं और यहाँ पे देख सकते हो छोटा सा वाटर एयर ड्रॉप भी था, नॉट वाटर एयर ड्रॉप, वो ये निकला पहला, दूसरा, तीसरा, बहुत सारे, ये मोटा साइज था, ये आया, देखो कितने मोटे मोटे एयर ड्रॉप यहाँ पे आ रहे हैं, यानी कि इस फ़ोन के अंदर लिक्विड जा रहा है। हमने 5 मिनट ऑलरेडी कम्प्लीट कर लिया तो हम थोड़ा सा खेल लेते हैं इसके साथ में। अभी इसे निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, लेट्स होप सो कि इसमें लिक्विड ना गया। ये रहा फ़ोन, इसको मैं क्लीन करता हूँ, फिर हम देखते हैं कि फ़ोन में लिक्विड है कि नहीं है। सबसे पहले सिम से बाहर निकालते हैं एंड आई होप सो यहाँ पे लिक्विड गया होना चाहिए, बिकॉज वहाँ तो मैं नज़र आ रहा था। वैसे गैसेट के इनसाइड से तो नज़र नहीं आ रहा है, नहीं है, छोटा सा यहाँ पे लिक्विड है, आप देख सकते हो ये इस पोर्शन में थोड़े से लिक्विड्स नज़र आएंगे। और लेट्स चेक इट, एंड फ़ोन के अंदर काफ़ी लिक्विड के ड्रॉपलेट्स जा चुके हैं, तो क्लियरली ये फ़ोन एक्सट्रीम रेनी कंडीशंस और मे बी एक्सट्रीम वेट कंडीशन में या स्प्लैशेस में शायद कुछ प्रॉब्लम दे सकता है। वन प्लस की हिस्ट्री बहुत अच्छी है नहीं व्हेन इट कम्स टू द IP रेटिंग। फ़ोन में आपको एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलता है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, कम्प्लीट मेटल ग्लास, बट यहाँ पे एंटीना कटआउट थोड़े से वियर्ड पोजीशन पे है, अनलाइक वन प्लस 12 जहाँ पे ये एंटीना कटआउट बटन के नीचे था, उससे फ़ोन में स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी हो गई थी। बट ये सीरियसली एक बैड डिज़ाइन हो सकता है या नहीं हो सकता है वो तो हम आगे फाइंड आउट करेंगे। एंड एनोडाइज्ड एल्युमिनियम नहीं है यहाँ पे, इनसाइड एल्युमिनियम ओरिजिनल कलर में है और आउटसाइड पेंट जॉब है, बिकॉज इट्स नॉट टाइटेनियम तो यहाँ पे फ्यूज़ नहीं किया जाएगा, चलिए आपको वही कलर मिलेगा बाहर से जैसा कि फ़ोन दिखता है। ऑन द टॉप ऑफ कोर्स यहाँ पे आया ब्लास्टर भी है एंड माइक भी है फॉर द नॉइस कैंसिलेशन स्टफ, एंड एक छोटा सा स्पीकर आउटपुट भी है,
स्पीकर्स काफ़ी अच्छे हैं वन प्लस 12 आर के। ऑन द बॉटम ऑफ कोर्स एवरीथिंग यू नीड, नथिंग यू डोंट नीड, फाइनली सेटल्ड विदाउट द हेडफोन जैक। फनी टाइप सी पोर्ट कह रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारा प्लास्टिक है, एज यू कैन सी मैं इजिली इस पोर्शन को कट कर पा रहा हूँ, यानी कि जो एल्यूमिनियम यहाँ पे है उसके ऊपर ढेर सारा प्लास्टिक लगा है और जो कि इजिली ऐसे कट हो जा रहा है। ऐसे ढेर सारे चिप्स यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। सिम्प्टो के डिज़ाइन भी यूजुअल है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा एक्सट्रीम कंस्ट्रक्शन दिखाई नहीं पड़ रहा है। इवन गैलेक्सी S24 सीरीज में भी ऐसा ही था, नॉट दी टाइटेनियम। इनसाइड प्लास्टिक है, आउटसाइड मेटल है, सो या जस्ट बेसिक स्टफ, नथिंग सीरियस। एंड अबाउट दी बटन्स, आइकॉनिक अलर्ट स्लाइडर जिसकी पोजीशन अब चेंज कर दी गई है कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन के फोन्स के। अब ये बटन विद टाइम यूज़ करते करते यहाँ पे पेंट आसानी से हट जाता है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो एनोडाइज एल्युमिनियम होता है ना जिसमें कलर इन्फ्यूज़ किया जाता है तो वो नहीं जाते हैं विद टाइम। सो ये अगेन कॉस्ट सेविंग होती है फॉर द कॉस्मेटिक्स। एक बार चीज़ें सुंदर दिखा के बेच दी गई तो आपके रिसेल वैल्यू में डेफिनेटली वो प्राइसेस कम करते जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये काफ़ी टाइट है, बाहर नहीं आएगा, नेवर। पावर बटन एंड द वॉल्यूम बटन अगेन मेड फ्रॉम द मेटल जस्ट लाइक द फ्रेम। एंड बैक टू द डायल कैमरा डिज़ाइन जो कि काफ़ी सिमिलर फील हो रहा है जस्ट लाइक ऑन द वन प्लस 11 आर, बट यहाँ पे ये डायल वाला डिज़ाइन था तो मैं उसको डायल कहने के बजाय कॉइन डिज़ाइन ज़्यादा कहता हूँ, बिकॉज यहाँ पे ढेर सारे कॉइन्स वाले ना ऐसे लाइंस बनी हुई है। सो लेट्स फाइंड आउट। कैमरा फ्रेम भी एल्युमिनियम का बना हुआ है जस्ट लाइक ऑन द फ्रेम। सेंटर पे यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको ग्लास दिया जा रहा है। सैड पार्ट ऑलवेज मैं आपको बताता हूँ वही होता है, अगर आप केस लगा भी लेते हैं तो भी ये पार्ट ऑलवेज ओपन रहता है। दिस ऑलवेज रिकमेंडेड कि यहाँ पे आपको स्किन पार्ट जरूर यूज़ कर लें, जैसे कि मैंने इस वन प्लस 10R में एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन प्रिंटर लगा रखा है एवरीवेयर, यानी कि मेरे फ़ोन में कोई भी स्क्रैच नहीं दिखेगा और इवन इस कैमरा मॉड्यूल पर भी कोई स्क्रैच नहीं लगने वाला है। नथिंग स्पॉन्सर गाइस, जस्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। स्ट्रेंजली वन प्लस 12R में आपको दो LED फ्लैशेस दिखाई पड़ रही हैं, एक इनसाइड द कैमरा में है और एक बाहर भी है कंपेयर टू द वन प्लस 11R के जहाँ पे सिंगल था। लेट्स सी ये दोनों जलती हैं क्या। अबाउट द ग्लास क्वालिटी फॉर द प्रोटेक्शन, वन प्लस 12R में गोरिल्ला ग्लास विक्टस यूज किया गया है जो कि बहुत लेटेस्ट सुनी है। आई बिलीव अराउंड 2020 के अराउंड का ग्लास है जो कि फर्स्ट टाइम गैलेक्सी नोट सीरीज में आया था फॉलोड बाय एस सीरीज, या बहुत से फोन्स में आ रहा है। अब यहाँ पे एक बिग पार्ट समझने को ये होता है कि जो ग्लास यूज़ किया गया है प्रोटेक्शन का उसकी थिकनेस क्या है, जैसे कि सेम ग्लास का प्रोटेक्शन बजट में रेडमी के इस फ़ोन में आया था लेकिन इस पर स्क्रैचेस बहुत ही आसानी से लग जा रहे थे लेवल 4, 5, 6 and 7 पे। बट अगर हम सेम चीज़ वन प्लस 12R पर ट्राई करते हैं तो यहाँ पे स्क्रैच का पैटर्न बहुत यूजुअल है जैसा कि होना चाहिए। लेवल 5 तक कोई भी स्क्रैच नहीं है, 6 पे माइनर हैं और 7 पे डीपर होते चले रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जेन्युइन क्वालिटी का ग्लास है जितनी थिकनेस का होना चाहिए। ऑन दी बैक पैनल यहाँ पे भी प्रोटेक्शन के लिए विक्टस यूज़ किया गया है, एज यू कैन सी लेवल 2 से लेके 3, 4 and 5 पे कोई स्क्रैच नहीं है, 6 पे माइनर हैं और 7 पे डीपर होते चले जा रहे हैं। एंड अबाउट दिस बिग कैमरा मॉड्यूल, यहाँ पे भी विक्टस ग्लास यूज़ किया गया है, यहाँ पे भी लेवल 5 पे स्क्रैचेस नहीं है, 6 and 7 पे एज यूजुअल स्क्रैचेस पड़ते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट जैसे कि अप टू स्टील गोल्ड सिल्वर जो भी आप कैरी करते हैं उससे इसके फ़ोन पे कोई भी स्क्रैच नहीं पड़ेगा, आई मीन बैक पैनल और डिस्प्ले पे। बट यस, डस्ट एंड सैंड एंड फाइन ग्लास पार्टिकल से आसानी से डिस्प्ले पे स्क्रैच पड़ सकता है नो मैटर कौन सा ग्लास यहाँ पे यूज़ किया गया हो। लेट्स फाइंड आउट ये AMOLED डिस्प्ले एक्सट्रीम हीट एंड फायर के अगेंस्ट में कैसे रिएक्ट करता है। फॉर द रिकॉर्ड जो मैक्सिमम मैंने अभी तक देखा है वो है iPhone 15 Pro Max में अराउंड 18 सेकेंड, और इवन जो गैलेक्सी का लेटेस्ट S24 Ultra है यहाँ पे भी जस्ट अराउंड 11 सेकेंड का है। तो लेट्स सी इस फोन के साथ क्या कहानी है।
अराउंड सेम ही है यहाँ पे भी, 11 सेकेंड के आसपास ही डिस्प्ले पे परमानेंट सा बर्न मार्क आ चुका है, जस्ट लाइक जैसे कि S24 अल्ट्रा में है। और इवन यहाँ पे आपने ये भी नोटिस किया होगा जो ओलियोफोबिक कोटिंग है वो जैसे सम प्लास्टिक की लाइक जल गई कंपेयर टू अगर हम S24 अल्ट्रा देखें जहाँ पे गोरिल्ला ग्लास आर्मर यूज़ किया गया है, तो वो इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर ले रहा है। इनसाइड एमुलेट बर्न है लेकिन आउटसाइड आपको ज़्यादा फील नहीं हो रहा, यहाँ जैसे लग रहा ना कि प्लास्टिक की लेयर थी जो सॉर्ट ऑफ थोड़ी सी बर्न सी हो गई है। लेट्स फाइंड आउट गाइस ये प्रीमियम लुकिंग एंड प्रीमियम क्वालिटी वाला वन प्लस 12R कैसा निकल गया था। वैसे वन प्लस के फ़ोन बैंड में कई बार फेल चुके हैं पास में, रिमेंबर 70 नॉट सीरीज एंड 10 सीरीज ऑल्सो। फर्स्ट हम स्क्रीन साइड से बैंड करते हैं इन 3, 2, 1। सीम्स लाइक जो 10 सीरीज की प्रॉब्लम थी यानी कि जो कैमरे के अराउंड कटआउट था उससे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, वो इसलिए हो सकता है बिकॉज इनसाइड जो चेसिस उसकी गई वो समहाउ ज़्यादा बेटर क्वालिटी का होगा, परहैप्स एल्युमिनियम 7000 इसलिए। ओके, रियर साइड से बैंड करते हैं इन 3, 2, 1। सो एनी डायरेक्शन वन प्लस 12R सॉर्ट ऑफ काफ़ी ड्यूरेबल फ़ोन निकल के आता है इन माई टेस्टिंग। अगर मुझे इसमें इसको रेटिंग देनी हो अबाउट द ड्यूरेबिलिटी तो मैं इसको 10 में से 7 पॉइंट दूंगा, 7 out of 10, बिकॉज 1 पॉइंट डिडक्शन फॉर ये जो अनयूजल है यहाँ पे बर्न हो रहा है, 1 पॉइंट डिडक्शन फॉर द वाटर बिकॉज यहाँ पे कोई भी IP68 67 नहीं है, लिक्विड आसानी से अंदर चला जा रहा है, एंड 1 पॉइंट फॉर दिस बिग कैमरा मॉड्यूल बिकॉज यहाँ पे आसानी से स्क्रैचेस लग सकते हैं। ओवरऑल काफ़ी सॉलिड फ़ोन है, लेकिन इसका रिव्यू आप चेक कर दीजिएगा बिकॉज यहाँ पे काफ़ी बातें हैं जो आपके क्रिएटर्स ने आपको नहीं बताया होगा। लेट मी नो अगर आपको उस फोन का ड्रॉपटर्स देखना है और किस फोन के साथ में देखना है, इसको मेगा ड्रॉपटर्स में डेफिनेटली कवर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।